पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक बड़े गंदे रेस्क्यू के बारे में बताया था, तो उसको कॉल करने वालों ने उसको बांध लिया था और अब हमारी टीम वहां पे पहुंच रही थी। तो गौशाला में बांध दिया, बांध दिया भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर दिया हमने ड्रेसिंग वगैरह, ड्रेसिंग करी आप लोग? वेटनरी फार्मासिस्ट है। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट? हाँ जी। तो आप लोग कंटिन्यू करोगे ये? मतलब बिल्कुल कंटिन्यूसली करेंगे अब तो हम, और बाकी आप भी देख लो इसको। नहीं, हम तो हम और बाकी इसमें कौन सा बैल है साहिल? उसका तो भाई बहुत बुरा हाल नहीं लग रहा, तो इसकी उन्होंने क्या ड्रेसिंग करी है? बिल्कुल बाहर ही आ गया, टेस्टिकल कवर से बाहर आ गया ना। हाँ, एक टेस्टिकल बाहर ही है पूरा। आसपास वहाँ पे रख देना कि लगोटा इधर उधर, यहाँ क्यों लेके आना? ये हमारे प्लान में नहीं आता, आप यहीं छोड़ देना। यहाँ पे पता ना था खाना का पानी बात, इसको पता नहीं होगा इसलिए, और लोग छोड़ने नहीं देते। चल चल शाबाश, चल चल ठीक हो गया, जा 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 जा, ठीक होने के लिए जा रहा था। अभी ये कहीं से आसमान से गिरे नहीं है। हाँ। तो ये पैदा हुए हैं, जब जिन्होंने डेयरियाँ चलाई हैं, ज़्यादा गायें पाली हैं, उन्होंने वो क्या करते हैं कि वो इसको रोडों पे छोड़ देते हैं बच्चों को, तो कि कहाँ जाएंगे? ये तो आदमी की एक गलती है, सबसे बड़ी गलती है। भारत देश में अंकल जी 100 गाड़ियों के ऊपर एक मैकेनिक तो है, बट 100 गाय बैलों के ऊपर एक डॉक्टर नहीं है। बहुत बुरा हाल है। वेटनरी के कई डॉक्टर देखते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कईयों को बोला कि इसका कुछ हो सकता है, और मैंने एक पोस्ट भी बनाई थी इसकी तरफ से, पोस्ट बनाई थी, पर मैं फेसबुक ऑपरेट नहीं करता हूँ, तो मैं कईयों को दी कि आप इसको वायरल करो, पर वो बोलते हैं कि नहीं, हम इसको लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में कि ऐसे ऐसे वायरल कर रहा है। गौशाला से करा हमने एक बैल का रेस्क्यू। अभी बोलना स्टार्ट करेगा, हो गया चालू है। बंटी दोस्त आया, तेरा दोस्त दादा, जो अभी वो जो बैल आया उस दिन, जिसके लास्ट जो आया जिसके टेस्टिकल्स में चोट है, वो कहाँ है? यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं छोड़ा उसको? हॉस्पिटल में छोड़ा? उसका क्या नाम रखा है? नहीं पता। हम हॉस्पिटल जाएंगे, उससे मिलेंगे। क्या हुआ मिमी? मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, मुझे दुनिया देखनी है। बुरी है बाहर दुनिया? हाँ, ये पता नहीं है, जो बाहर है सारे जानवर वो अंदर आना चाहते हैं। अंदर वालों को हमें यहाँ पे कैद कर रखा है। चंबी को मैं सुबह वॉक पे लेके जाता हूँ, वापस आ रहा होता है, पैर ऐसे लटका लेगा, धीरे धीरे चलेगा। कैरेक्टर है वो। प्रशासन ने चला रखी है ना कास्ट्रेशन की मुहिम, ये गलत है। मतलब जिस हिसाब से कास्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये है क्या? असहनीय है भैया, इस दर्द की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका ट्रीटमेंट क्या चलेगा? आप पेन किलर लेने लगे ना, लेटा के लगाते। ओए बच्चू, सर तो अंदर का पूरा दिख रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि सर कास्ट्रेशन वाला ही है ये ना। यार इनको आती नहीं करना तो ये करती क्यों है? अब मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर सकता, किसी को नहीं आती है, तो कई बार दिक्कत आ जाती है। कई बार नहीं, हमारे पास कितने केसेस आ गए, और हमारे पास तो आए हैं, और कितने नहीं आए होंगे। एक्चुअली पोस्ट ऑप नहीं हो पाती ना इनकी, तो वो तो ध्यान रखना चाहिए ना उनको फिर। पर वहाँ पर उनके पास स्पेस नहीं है ना फिर। तो फिर ना करें। मैगेट्स है दो तीन तो निकले, पर मुझे ऐसे मैगेट्स का पॉइंट नहीं पता चल रहा कहाँ से। वो एक क्यों लटर रहा है इतना ढीला ढीला पतला सा? तो उसका टिश्यू निकल गया ना सारा, सपोर्टिंग टिश्यू। मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए डाला है। बस बस बस, हो गया लड़के, बस पट्टी कर रहे। अच्छा बैठ रहे ना। मैगेट्स कल तक तो मर जाएंगे ना ड्रेसिंग के बाद। कुछ मर जाएंगे, कुछ जिंदा भी रह सकते हैं, बहुत डीप है क्योंकि। बस रो मिनट रुक जाओ, मेरे को पट्टी करना है बस। कौन सा इंजेक्शन है? मुझे हिलना नहीं। अच्छा बाबू, नो 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 नो, डॉक्टर साहब ने बोला हिलना नहीं। हो गया, हो गया, गुड बॉय। अब अच्छा ठीक हो जाएगा बाबू, तू ठीक हो जाएगा। सर इसको लाइगेट करेंगे जो टेस्ट के लिए बाहर है ना। सर्जरी के बाद केयर नहीं मिल रही ना इसलिए। सर्जरी गलत तरीके से हो रही है, ये तो इतना कट ही नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाता है तो उनको कहीं ले जाना चाहिए गौसदन में। ये तो इमीडिएट रुकना चाहिए यार ये तो काम। तभी तो मैंने आपको पूछा कि बार बार टेस्टिकल वाले क्यों आ रहे हैं? आठवां सातवां केस है। बस को यहाँ पे हमने शिफ्ट किया, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है।
अभी आज थोड़ा बारिश वाला दिन है, ये सारे अंदर है, नहीं तो इनको हम बाहर निकाल देते, ये चर लेते। वो बछड़ू आया है छोटा ना, तो उसके चक्कर में माँ को भी लाना पड़ा है। माँ इसकी हेल्दी है वैसे, इसके मुँह में चोट है बेचारे के। ये तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया। अभी क्या लग रहा है सर, आएंगे दांत इसके वापस? नहीं कह सकते कुल्लू कुछ की। सर ये जो ऑइंटमेंट हम इसके मुंह पे लगा रहे हैं, अगर गलती से मान लो इसने निगल लिया, उसको पेट में चला गया, तो कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं आएगी ना ऐसी? नहीं, ये आयुर्वेदिक ही है यार। आईमैक्स वैसे इंजेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसकी जीभ तो ऊपर है ना इसके। अच्छा। और ये अपना फेस नीचे रख रहा है, तो जो भी है अगर ये इसकी थूक निकल रही है तो नीचे ही आ रही है, तो उसको भी नहीं निकल रहा है, तो इंजेक्शन के चांसेस कम है। दूध पे तो टाइम थोड़ा बहुत कह सकते हैं चले जाएगा, पर तकनी में तो ये अपॉइंटमेंट में लगता हट भी जाती होगी। अच्छा। और ऐसे मुंह पे डीमैग भी नहीं मार सकते ना अंदर? हाँ, वो इंजेक्शन करा सकते हैं, अगर साइड पे हो तो मार सकते हैं, बहुत अंदर तो नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम मारना चाहें, अच्छा, बहुत दो तीन ड्रॉप्स अगर हम डाल दें तो पूरा स्प्रे तो नहीं कर सकते। चल भाग जा। अरे भाई वो तो रही माँ तेरी। ये देखो, ये आके चढ़े बैठे हैं। चूचू और राजा। हाँ, मतलब इनको लगता है कि भाई ये चला रहे हैं, और पीछे वो है अकबर और अमरूद। और सर ढिंचक कहाँ है? अंदर ही है। क्योंकि सारे टेस्टिकल वाले इतने केसेस आ रहे हैं, और जो भी हॉस्पिटल में हम देखे हैं तो इतना गंदा है। ये ढिंचक है जो उस दिन आया है ना, ये कबूतर है, ये ढिंचक है। कबूतर सबसे एंड में। ये नया तुम कंफ्यूजन कॉज कर रहे हो। सुबह तुमने हमने कह दिया कि अस्पताल में है वो बैल, हम अस्पताल हुआ है वहाँ पे इतना। मैंने अस्पताल में बोला ही नहीं सुबह। कोई तो बोला। नहीं, मैंने हॉस्पिटल। दीदी तो नहीं बोल, दीदी आपने बोला था। इतनी सारी हो गई हम सारी कंफ्यूज हो रहे। कौन सा बैल? ढिंचक। आपने पूछा था नाम क्या है? नहीं, वाले बैल का मैंने पूछा ना। आज डॉक्टर हिमांशु से पूछ लो जो भी पूछना है। सर हमेशा आपका मूड क्यों खड़ा होता है? खड़ूस खराब तो नहीं होता हमेशा। अब तुम अगर ऐसी बात बोलोगे तो मूड खराब कर दोगे तुम। वर्क वाइज थोड़ा थोड़ा तो पर्सनल कुछ तो चलता है इनका ना। उसने एक फ़ोन उठाया ना, उसने फ़ोन उठाया ना, उसने नहीं सर ऐसा नहीं है ना। वो आई ना वो आई, वो चली गई, वो भी चली गई, वो भी चली गई। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, तो आज जब वो जो गंदा केस आया है, तो अब हम डीसी कांगड़ा को ईमेल लिखेंगे, एंड ये तो दिस नीड्स टू स्टॉप भैया। मतलब कि हम एक्सीडेंटल केसेस पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो अब तो यहाँ पे हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी एडमिनिस्ट्रेशन ने। 8 केस आ चुके हैं टेस्टिकल वाले। हाँ भैया, वो सुबह ना इसको खोल देंगे ना। वो मैंने बोला था। क्या? आप आए वहाँ से? हाँ? आपने बोला राधा जो टेस्टिकल वाला बुलाए वो कहाँ है? मैंने सोचा कि आपने न्यू बोल रहा होगा, तो मैंने बोला वो तो हॉस्पिटल में है। हाँ, तो मैं तो इसकी बात पूछ रहा था, क्या नाम है? कबूत नहीं, नहीं वो ढिंचक। ढिंचक? अच्छा। ये तुमने वो ढिंचक पूजा के नाम पे ढिंचक रखा है? तो मैंने सोचा मैंने कि आपको न्यू वाले की चाहिए होगी ना, तो मैंने न्यू वाला बोला कि हॉस्पिटल में है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ कहती पहले बोल क्या। मैंने बोला भैया नहीं, कुणाल को बोल दिया, मैंने बोला ठीक है ओके। पिछले व्लॉग में तो मजाक में हमने स्पॉट के लिए एक दवाई इंसानों पे टेस्ट करी, पर एक सीरियस गुड न्यूज़ है कि भाई भारत में सरकार ने कुछ नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले मेथड्स को टेस्टिंग के लिए अप्रूवल दे दिया है, यानी कि आने वाले सालों में एनिमल टेस्टिंग भारत में कम हो जाएगी।